सहारनपुर में आज विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी जो न्यायोचित मांग है उनको पूरा किया जाए, जो कर्मचारी संविदा पर हैं उन्हें नियमित किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत कर्मचारियों के द्वारा कोरोना काल में भी जब सब लोग घर के अंदर प्रतिबंधित थे तब भी कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 28 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा जो 27 अक्टूबर 2022 को ऊर्जा निगमों में व्याप्त भयका वातावरण को समाप्त करने एवं ऊर्जा निगमों में जो आर्थिक क्षति हो रही है उसको रोकने तथा विभिन्न 15 सूत्री मांगों के समाधान करने के लिए ऊर्जा प्रबंधन को नोटिस दिया गया था, परंतु विगत 25 दिन व्यतीत होने के उपरांत भी किसी भी प्रकार का अभी कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया गया है। इसके लिए अभी जो कार्यक्रम चल रहा है, जनजागरण कार्यक्रम चल रहा है, जो कि 3 नवंबर से लगातार बाबा विश्वनाथ की धरती बनारस से प्रारंभ होकर मिर्ज़ापुर होते हुए अनपरा ओबरा पिपरी से होते हुए इलाहाबाद, अयोध्या, प्रयागराज, उसके बाद कानपुर, कैस्को, झांसी, परीक्षा, हरिद्वारगंज, अलीगढ़ होते हुए कल मेरठ में हुआ, आज ये सहारनपुर में है। हमारी मुख्य 15 सूत्री मांग है, जिसमें हमारा मुख्य मांग है कि जो हमारे ऊर्जा निगमों के शीर्ष पदों जो होते हैं, चेयरमैन, MD और डायरेक्टर, उनमें नियमाचार चयन की एक प्रक्रिया है, उसके अनुसार चयन किया जाए। अभी वर्तमान में MD और चेयरमैन के जो चयन हुए हैं वो पूरी तरीके से अवैध नियुक्त हैं, इनको हटाते हुए नियमानुसार चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इनका चयन किया जाए। 3 पदोन्नति पद के वेतनमान जो 2009 से पूर्व मिलते थे, जो अभी रोक रखे हैं, उनकी हमारी मांग है कि उनको 3 पदोन्नति के वेतनमान तुरंत बहाल किए जाएँ। संविदा कर्मचारी जो हमारे 70,000 की तादाद में हैं, उनको नियमित सरकार करे, तेलंगाना सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार भी नियमित करे, ये हमारी मांग है। उसके बाद बिजली कर्मचारी, अभियंताओं और अभियंताओं को आप सभी लोग देखते हैं फील्ड में कार्य करते हुए मारपीट की घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन सभी को रोकने के लिए विद्युत कर्मचारी सुरक्षा कानून का एक मसौदा 2018 से बना हुआ है, उसको कैबिनेट पास करके लागू कराया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।